चुड़ैल कैसे बचेगी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे कि तभी एक भयानक चुड़ैल जंगल की तरफ से चलते हुए गांव में आ रही थी। वो चुड़ैल बहुत ही भूखी थी और अपना शिकार ढूंढ रही थी। उसे जो भी मिलता है वो उसे खा जाती है। रास्ते में उसे कुछ भेड़ बकरी दिखाई दी, जिसके बाद वो उन्हें उठाकर सीधा निकल गई। बहुत भूख लगी है, सब कुछ खा जाऊंगी जो मिलेगा, कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब मेरे पेट में जाएगा। उसी समय गांव का एक आदमी जिसका नाम बलराम था, वो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ सो रहा था कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, ये क्या, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। अब अगर संडास के लिए नहीं गया तो सुबह तक बुरा हाल हो जाएगा। ये सोचकर बलराम एक डिब्बे में पानी भर लेता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भूखी प्यासी यहाँ वहाँ अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर बलराम पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, शिकार खुद मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है। जैसे ही बलराम पानी का डिब्बा नीचे रखता है, चुड़ैल उसे दबोच लेती है और उसका हाथ पकड़कर खाने लगती है। बलराम चिल्लाते हुए रोने लगता है। अरे अरे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। बाप रे बाप, मेरा हाथ छोड़, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। खा जाऊंगी तुझे, पूरा खा जाऊंगी, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल उसे पूरा निगल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अगले दिन बलराम की पत्नी मीनाक्षी अपने पति बलराम को पूरे गाँव में ढूंढती है। अरे काकी, क्या आपने मेरे पति बलराम को देखा है? पता नहीं सुबह से कहां गायब है, कहीं मिल ही नहीं रहे। नहीं बिटिया, मैंने बलराम को नहीं देखा। उस दिन के बाद से धीरे धीरे गांव के कई लोग गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन गांव का मुखिया पंचायत में अपनी बात रखता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गांव के लोग धीरे धीरे अपने आप ही गायब होते जा रहे हैं। अगर हमने सही समय पर इस बात का पता नहीं लगाया तो पता नहीं क्या होगा। मुखिया जी, मेरी 8 साल की बिटिया भी घर से गायब है, कहीं नहीं मिल रही, अब हम क्या करें? शायद मैंने कल रात को तुम्हारी बेटी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसके पीछे ना जा सकी। मुझे लगा कि रात के समय तुम्हारी बिटिया को संडास आया होगा, इसलिए वह जंगल की तरफ जा रही होगी। लगता है यह सब जंगल से ही हो रहा है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। आज रात सभी लोग चौकन्ने रहना और कोई भी संडास करने घर से बाहर मत निकलना। सभी लोग मुखिया की बात मान लेते हैं और रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अपने अपने घर के बाहर कुछ जानवरों को बांध देते हैं और सभी घर के अंदर रहकर जानवरों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखते हैं। तभी आधी रात के समय जंगल से एक भयानक चुड़ैल गाँव की तरफ आने लगती है। लगता है गांव के सभी लोग सो गए हैं, कोई भी नहीं दिख रहा, आज इन जानवरों को ही खाकर अपना पेट भर लेती हो। ऐसे ही चुड़ैल जानवरों को खाने लगती है। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चुड़ैल को घेर लेते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो तुम लोग? बता चुड़ैल, कहाँ है मेरी पत्नी, तूने मेरी पत्नी को कहाँ छुपाया है? मेरे पति बलराम भी नहीं मिल रहे हैं, तूने ही मेरे पति को खाया होगा। चुड़ैल कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती इंसानों को खाकर? जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वो लोग तो अब मेरे पेट में हैं। ये कहकर चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाँव के सभी लोग डर जाते हैं। मैं अब इस गाँव में एक पल भी नहीं रुक सकता, मैं तो आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर जा रहा हूँ। अगर यहाँ रहा तो इस चुड़ैल के हाथों मारा जाऊंगा। ये चुड़ैल तो बार बार गायब हो जाती है, हम इसे नहीं मार सकते। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी गांव को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे गांव में कौन रहना चाहेगा जहाँ पर एक चुड़ैल का साया हो। धीरे धीरे गाँव के सभी लोग गाँव को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चुड़ैल को इंसान का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और वो बौखला जाती है। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे, आखिर ये गांव वाले गए कहाँ हैं? एक भी इंसान नहीं मिल रहा, बहुत जोरों से भूख लगी है।
चुड़ैल गांव वालों को ढूंढते ढूंढते समंदर के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसे एक बहुत ही सुंदर जल परी दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जल परी है, मन कर रहा है इसे अभी के अभी खा जाऊं। ये सोचकर चुड़ैल जल परी को पकड़ने जाती है, जिसके बाद वो जल परी को पकड़ के खाने वाली होती है। लेकिन तभी वो सोचती है, अरे नहीं नहीं, इसको एक साथ पूरा नहीं खाऊंगी, इसको आधा काट के कल के लिए बचा लेती हूँ। वैसे भी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए हैं, अब मुझे अपने पेट का ध्यान रखना होगा। चुड़ैल एक बड़े से चाकू से जलपरी की पूंछ काट देती है, जिसके बाद वो जलपरी एक परी में बदल जाती है और चुड़ैल से कहती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया। कई साल पहले मैं अपनी जादुई शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया करती थी, जिसके बाद एक दिन मेरी जादुई शक्तियों से परीलोक की एक परी को बहुत चोट पहुंच गई, और इसी वजह से परीलोक की महारानी ने मुझे एक जलपरी बना दिया। तुम्हारे काटने पर मैं मुक्त हो गई। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं अपने जादू से तुम्हें हर एक चीज दे सकती हूँ। कुछ समय पहले मैंने खुद की ही जान ले ली थी। दरअसल हुआ ये था कि मेरा पति बहुत शराब पीता था, और शराब पीने के बाद वह मुझे बहुत मारता था। मैं उसकी मार सहन नहीं कर पाती थी, और इसीलिए मैंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और लोगों को खाकर अपना पेट भरने लगी। लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब इंसानों को खाना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई परी अपनी जादुई शक्तियों चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिला देती है, जिसके बाद चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चला जाता है, और सभी गांव वाले सुखी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। परी भी वापस अपने परी लोक चली जाती है, जिसके बाद वो अपने जादू से लोगों की भलाई करती है। Ha 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 ha!